ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुनाएंगे। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दो नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षु मन्वंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इस बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाई ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाई और गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा प्रथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूंकि ये श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए।
भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम्बती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इसी के साथ 29वां अध्याय संपूर्ण होता है। कार्तिक मास के सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।